हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई विकास राज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश। फ्रेंड्स, टुडे इज डे 8 ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन 90 डेज। सो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, आज हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का 8वां दिन है। तो किसान भाइयों, वीडियो पर बने रहिए, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए। दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में रहता, रही थी, रहते, आते हैं, वे होते हैं दोस्तों पास्ट कंटीन्यूअस। तो दोस्तों, ये इसकी पहचान होती है। ये नॉर्मल वाले कैसे बनाए जाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वाच वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और दोस्तों उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। नहीं वाले कैसे बनाते हैं? नेगेटिव वाले, सब्जेक्ट प्लस वाच वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और दोस्तों उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और दोस्तों, ये हम वाच वर्ब लगाते कैसे हैं? I, he, she, it और naming words, इनके साथ में आता है दोस्तों was। और दोस्तों, we, you, they, यानी कि जो बहुवचन होते हैं उनके साथ आता है बर। जैसे दोस्तों, रवि क्रिकेट खेल रहा था, रवि was playing cricket। और रवि क्रिकेट नहीं खेल रहा था, रवि was not playing cricket। दोस्तों इसमें एक वचन है रवि, तो इसके लिए आया है दोस्तों वॉज। और दोस्तों, जैसे होता है हम क्रिकेट खेल रहे थे, यह दोस्तों बहुवचन है, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। और हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हम पास्ट कंटीन्यूअस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ होमवर्क करना है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हैं वाक्य, या दोस्तों मुझे कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको वाक्य दे रहा हूँ, वह नाच रहा था, तुम कूद रहे थे, हिमानी खेल रही थी, प्रताप अपना काम कर रहा था, हितेश अपने घर जा रहा था, बे खाना नहीं पका रहे थे। तो दोस्तों, ये 6 से 7 कुछ सेंटेंसेज हैं, ये आपको बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में टाइप कर देने हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नेक्स्ट डे के साथ में। थैंक यू वेरी मच।